हेलो एवरीवन, आई एम गगनी शर्मा एंड वेलकम टू रिसर्च जोन द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर एज रिलेटेड टू द डिपेंडेंस ऑफ द प्रोसेस ऑन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन टाइप ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं, जब वो दूसरे के साथ में मैटर के साथ में इंट्रैक्ट होते हैं और जो कंप्लीट प्रोसेस है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप से हम एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट को ही स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहली टाइप आती है वो आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कितनी वेवलेंथ या कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है बाय द इफेक्ट ऑफ मैटर या इंट्रेक्शन विद मैटर, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद सेकेंड आती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड वन इज इलास्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ वन इज इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिफ्थ वन इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड सिक्स्थ वन इज कोहरेंट एंड रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अगर हम देखें न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बाय रिकॉर्डिंग द इंट्रैक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विद न्यूक्लियर ऑफ द मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में देखते हैं, और कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो, उस टाइप की टेक्निक को हम हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का इंट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डिस्कवरी है वो पहले किसने की, तो इसकी जो सक्सेसफुली डिस्कवरी की गई थी वो 1945 में की गई थी, 1945 के अंदर। और इसके अंदर जो जिसने डिस्कवरी की थी उनके नाम थे फेलिक्स ब्लॉच एंड एडवर्ड प्रुसेल। इन्होंने 1945 के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सक्सेसफुली डिस्कवरी की थी, और 1952 के अंदर इन दोनों को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न्यूक्लियस के साथ में इंट्रैक्ट करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कौन सी रेंज या कौन सी रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन जो होता है वो 3 MHz टू 3000 MHz के अराउंड देखने को मिलता है। तो इस रीजन या फिर इस रेंज की हम फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद रेडिएशन। ठीक, उसके बाद में कुछ कंडीशंस हमें देखने को मिलती है प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इसमें सबसे पहली है कि जब ऑड मास न्यूक्लियाई हो, ऑड मास न्यूक्लियाई मतलब जिसका ऑड नंबर का मास हो, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 1 है और ये एक ऑड नंबर है, कार्बन 13 आइसोटोप। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, लेकिन कार्बन 13 ये आइसोटोप यूज किया गया है जिसका ऑड नंबर मास है। उसके बाद में फ्लोरिन जिसका 19 मास है, उसके बाद में बोरॉन जिसका 11 मास है, एंड उसके बाद में ऑक्सीजन जिसका हम मेनली देखते हैं तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका आइसोटोप यूज किया गया तो ऑक्सीजन 17। तो ये ऑड मास नंबर की कुछ स्पीसीज ली गई है जिसके अंदर अगर हमें टोटल आई ये आई अब क्या है, ये आई है टोटल स्पिन, न्यूक्लियस की टोटल स्पिन क्या रहेगी ये मास नंबर के ऊपर इवन है या ऑड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अंदर ऑड मास न्यूक्लियाई है, तो इसके अंदर जो हमें स्पिन देखने को मिलेगी वो 1/2 देखने को मिलेगी।
वन बाई टू हमें इसके अंदर स्पिन देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है कि जब ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पिन को शो करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं तो हमें प्लस वन बाय टू या फिर माइनस वन बाय टू टू टाइप की हमें स्पिन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये नंबर ऑड नंबर में हो तो ये रिजल्टेंट अपनी जो स्पिन होगी वो फ्रैक्शनल स्पिन देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हमें वन बाय टू की स्पिन देखने को मिलती है। बोरोन के केस में देखें तो 3/2 देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के केस में देखें तो 5/2 की हमें स्पिन देखने को मिलती है। और ये जो 5/2, 3/2 एंड 1/2 है ये टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी जो नेट रिजल्टेंट स्पिन होगी वो +1/2 या -1/2 के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस में होगी। ठीक, उसके बाद में सेकेंड कंडीशन आती है कि अगर इवन मास नंबर हो तो क्या जो स्पिन होगी वो जीरो के इक्वल होगी। उसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस है। अगर इवन मास नंबर है और इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इवन है तो उस केस के अंदर हमें जो टोटल स्पिन देखने को मिलेगी वो जीरो देखने को मिलेगी। लेकिन इवन मास नंबर है लेकिन न्यूक्लियॉन्स है वो ऑड नंबर्स में प्रेजेंट है। इवन मास नंबर है लेकिन जो न्यूक्लियॉन्स है वो ऑड नंबर्स में प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो नेट रिजल्टेंट देखने को मिलेगी वो वन के इक्वल देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर इवन मास नंबर है और इवन न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है जिसकी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तो वहां पे जो नेट रिजल्टेड स्पिन देखने को मिलती है वो जीरो के इक्वल देखने को मिलती है। एग्जांपल के तौर पर कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स है जिसके अंदर हमें आई की वैल्यू जीरो देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें एनएमआर प्रिंसिपल की कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है तो इसमें मेनली हम स्पिन स्टेट्स या फिर एनर्जी ट्रांसफर की टेक्निक का यूज करते हैं। जब हम बात करें स्पिन की तो इसमें दो टाइप की स्पिन हमें देखने को मिलती है, +1/2 एंड -1/2। ये दो टाइप की स्पिन हमें देखने को मिलती है। तो +1/2 स्टेट होती है उसको हम अल्फा स्टेट बोलते हैं एंड जो -1/2 स्टेट होती है उसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो अल्फा स्टेट होती है वो लोअर एनर्जी की स्टेट भी उसको बोला जाता है एंड बीटा स्टेट जो हायर एनर्जी की स्टेट होती है उसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। इनका डिफरेंशिएट या फिर एनर्जी का ऑर्डर बनाने का रीजन क्या है कि जब हमने एनर्जी का ऑर्डर बनाते हैं तो उसके अंदर वो स्पिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट में होती है उसको हम नाम देते हैं अल्फा स्टेट, बिकॉज वो उसी लाइन के फिर उसी अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रही होती है। ठीक है, अगर स्पिन उसके अपोजिट वर्क करती है तो उसे एक टाइप से उसकी शील्डिंग का इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के साथ में रिपल्सन होगी तो एनर्जी हाई होती है। बीटा स्टेट के अंदर यही हो रहा है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, और स्पिन नीचे की तरफ हो रही है तो वे एक दूसरे के साथ में रिपल्सन को शो करते हैं। ठीक है, और जब रिपल्सन होगी तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, वहां पे एनर्जी हाई होती है। इन केस ऑफ अल्फा स्टेट जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं एंड हमारी जो स्पिन है वो भी ऊपर की तरफ है, दोनों जब एक ही अलाइनमेंट में हो, जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन दोनों एक ही लाइन में हो तो वहां पर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहता है, वहां पे एनर्जी हाई नहीं होती। तो जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो अल्फा स्टेट के अंदर देखने को मिलती है और एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो बीटा स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। और इनको डिफ्रेंशिएट करने का रीजन है बिकॉज ऑफ देयर अलाइनमेंट। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अपनी अलाइनमेंट या अपनी स्पिन को शो करेगी वो अल्फा स्टेट में रहेंगी और जो उसके अपोजिट में वर्क करेगी वो बीटा स्टेट में रहेंगी, या फिर जो उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन होगी वो ग्राउंड स्टेट में रहेगी और जो अपोजिट अलाइन होगी वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं तो अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट हमें स्पिन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर पॉसिबल है तब जब हम डेल्टा ई की एनर्जी उसको प्रोवाइड करें। अल्फा एंड बीटा की कि जो बीच का डिफरेंस होता है एनर्जी का डिफरेंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। अगर हम डेल्टा ई एनर्जी को
सप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और पार्टिकल अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट की तरफ मूव करता है, उस टाइप की टेक्निक को बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ स्पिन को रोटेट या फिर ट्रांसफर करते हैं, और ये गैप पॉसिबल कब है, जब हम डेल्टा ई एनर्जी को सप्लाई करते हैं। जैसे कि डेल्टा ई स्टेट हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड की, ये डेल्टा ई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से बैक जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये डेल्टा ई एनर्जी को ही इमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करने के लिए, कि मैनी न्यूक्लियाई हैव स्पिन, ऑल न्यूक्लियाई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बेस एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल इज अचीवेबल व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड। इसमें बोल रहा है कि सभी जो न्यूक्लियस है वो चार्ज पार्टिकल से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटोन, और एनर्जी का ट्रांसफर बेस लेवल टू हायर लेवल की तरफ होता है, कब होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उस टाइप में कंडीशन अलग होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम अंदर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और बेस एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ हम मूव करते हैं स्पिन्स को। उसके बाद सबसे पहली कंडीशन, ऑल न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड मेनी हैव स्पिन्स। सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल फ्रॉम बेस एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। सेकंड कंडीशन इसमें ये रहती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होना चाहिए, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होना क्यों चाहिए, इसका रीजन ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर कर लिया बी नॉट। ठीक है, बी नॉट हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया है। जब हमने चार्ज पार्टिकल की बात की है तो चार्ज पार्टिकल हमारा है प्रोटॉन। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल कुछ स्पिन शो करते हैं तो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन है तो वो अल्फा स्टेट की तरफ जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो बीटा स्टेट की तरफ जाएंगे। सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नली अप्लाई किया है उसकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी स्टेट्स को डिफाइन करना है कि वो अल्फा स्टेट है या बीटा स्टेट है, वो एनर्जी लो एनर्जी स्टेट में है या हाई एनर्जी स्टेट में है। थर्ड वन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर व्हेन वेवलेंथ एट कोइंसाइड विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी। जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन में आती है तब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, बिकॉज जो गैप है वो डेल्टा ई का गैप है। ठीक है, एनर्जी स्टेट के बीच में जो गैप होता है वो डेल्टा ए का गैप होता है। जब तक ये एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी अपनी स्पिन को रोटेट या चेंज नहीं करेंगे, वो अल्फा टू बीटा की तरफ मूव नहीं करेंगे। ये एनर्जी डेल्टा ई एनर्जी हम प्रोवाइड करने के बाद में जो अल्फा स्टेट है वो बीटा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, बीटा स्टेट डेल्टा अल्फा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, एनर्जी इज इमिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्पिन कम बैक टू इट्स बेस लेवल। जैसे कि डेल्टा ई एनर्जी हमने ऐड की थी प्लस डेल्टा ई हमने सप्लाई की है, जब बेटा स्टेट टू अल्फा स्टेट या फिर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की तरफ स्पिन अपने बेस लेवल की तरफ आती है तो यही एनर्जी सेम अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, ये प्लस साइन सप्लाई को डोनेट कर रहा है, माइनस साइन इमिशन को। डेल्टा ई एनर्जी ही इमिट होती है जब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल की तरफ स्पिन मूव करती है। ठीक है, उसके बाद में देयरफॉर बाय मेजरिंग द सिग्नल व्हिच मेज द दिस ट्रांसफर द प्रोसेसिंग एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑफ द कोइंसाइड न्यूक्लियस इज यील्ड। इसमें सिंपल ये बताया गया है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए हमें दो स्पेक्ट्रा देखने को मिले, एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे एंड एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे। ये दोनों स्पेक्ट्रा एक दूसरे से अलग है, इसका रीजन ये है कि इन दोनों न्यूक्लियस का जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों न्यूक्लियस का जो एनवायरनमेंट है वो वेरी कर रहा है। जब न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट वेरी करता है तो उसके अंदर जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसकी पोजिशन, उसकी पीक एंड उसकी इंटेंसिटी, ये सभी भी वेरी करती है। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जब न्यूक्लियस का जो जो एनवायरनमेंट है वो वेरी करेगा तो उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर जो न्यूक्लियस की जो यील्ड है, एनएमआर स्पेक्ट्रा की जो यील्ड है वो भी वेरी करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।